चले आशीष वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। नाउ इफ यू हैव सीन माय लास्ट व्लॉग्स में मैंने एक चीज़ बोली थी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्बन बांधने वाला हूँ। तो टुडे 23 फरवरी 2018 टुडे इज़ अ टर्बन डे। सो वी हैव काकू यानी कि जसविंदर ओवर हियर। तेरा नाम कभी बताया नहीं ना मैंने। सर हम जसविंदर है, हम लोग प्यार से काकू बोलते हैं क्योंकि पंजाबियों में छोटे जो रहते हैं उनको काके बोलते हैं। तो काका काके काका कुछ भी बोलते हैं तो इसको काकू बोलते हैं। वी हैव आशीष ओवर हियर एंड वी हैव मेहुल ओवर हियर। वसीम इधर, लेकिन वसीम मेरे काम से कुछ गया है, कुछ लाने गया, मैं बताता हूँ। तो ये पूरा सेटअप वेटअप जो इधर है वो इसलिए है आशीष स्टॉप मोशन क्या फोटो वीडियो वीडियो ही होगा उसका। विल टेक मेनी फोटोज स्टिचेड इनटू अ वीडियो वीडियो या। काकू हमारी पगड़ी बांधेगा। इट्स द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं टर्बन बांध रहा हूँ। उसको पता नहीं मैं पंजाबी हूँ। निखिल अनिल ब्रजलाल शर्मा। डैड क्या कभी बात करता था पंजाबी में करता था आपको? मेरे डैडी को पंजाबी बोलने आती थी। हाँ, मैं उनसे मेरी मम्मी को भी आती है, मेरे दादा को भी आती है, साला मेरे को ही नहीं आती। डैड के जब रिश्ते आते थे तो मैं डैड को बोलते थे तू निकलू पंजाबी नहीं सिखाई। बोलते छोड़ो ना निकम्मा ये लड़का, ना इसको मराठी आती है ना साला पंजाबी आती है, महाराष्ट्र में रह गया। मुझे पता है जो मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं आज बहुत खुश होंगे। आज खुश तो बहुत हो गया था। सो इसके अंदर क्या है काकू, प्लीज निकालिए। कुर्ता है। सो पहले मुझे कुर्ता पहनना पड़ेगा क्योंकि टर्बन मान ली तो फिर वो जाएगा नहीं अंदर। ओके ये मुझे बलकलावा पहनना पड़ेगा सर पे ताकि पूरे बाल जो है दब जाए। ये क्या हो गया? ये क्या है? रेसिंग सूट? फिर स्टिचिंग होती है ऐसी होती सब बिल्डर लगे। चश्मा पहन सकता हूँ नहीं ना? सरदार मुंबई का निखिल सिंह। तो ये करने का रीजन क्या था? ये करने का रीजन ये था, जब मैं दिल्ली से वापस आया था और काकू मुझे लेने आया था तो मजाक मजाक में मैंने बोला था कि मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा और पगड़ी पहनूंगा। तेरे भाई बाल बड़ा कर रहा है, दाढ़ी भी बड़ा कर रहा है, थोड़ा मुझ आएगी नहीं मुझे। एक दिन मैं टर्बन मान के देता हूँ आपको टर्बन। यस राइट। तो वो देख के मेरा एक सब्सक्राइबर है जो सरदार है। सो 2-3 days back आई मेट हिम व्हेन आई वाज गिविंग माय टाइगर फॉर टू चेंजेस पॉकेट। सो ही वाज लाइक 23 फरवरी को टर्बन डे होता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड लव इफ यू कैन मेक अ वीडियो अबाउट दिस। एंड आई थॉट ऑफ इट एंड आई कॉल्ड काकू एंड आई वाज लाइक काकू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। ही वाज लाइक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई थिंक आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट। हमारे लिए क्राउन होता है ये हमारा। थैंक यू फॉर गेटिंग द पिंक पगड़ी, बहुत स्मार्ट लग रही है। फोटो शूट करे देखो। ये ऊपर कभी चढ़ा? ये ऊपर, ये बंदा ऊपर कभी चढ़ गया? उड़ के चले गए। आओ तू ऊपर कब आया? जब आप ब्लॉग कर रहे थे। ओ जब मैं ब्लॉग कर रहा था। सही है सही है। क्या कर रहा है? मैं कर निकल तो बदली हो गया। आशीष अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी वहाँ पे खड़े रहोगे एकदम कमर वहाँ पे एज में। हाँ कमर पे हाथ रख के और मैं फोटो स्टाइल एकदम सिंगिंग सिंग एकदम सिंगिंग सिंग पार्ट टू शर्मा इज किंग। शर्मा इज किंग, अरे इसको टाइटल डालू क्या? हाँ मेरा 1,00,000 रुपए थे अभी संभल संभल। ये 1,00,000 रुपए का लेंस है? मतलब एक्चुअली 130 मैंने 130,000 का लेंस है। ये वाइड एंगल 1,30,000 रुपए का लेंस है, मेरे 18,000 रुपए का। क्या क्या करतब करने बोल रहा है यार आशीष। वो फ्लैट नीचे है भाई, तीन माले की बिल्डिंग है, चौथा है, पांचवा फ्लोर है। अरे देखो इधर देखा मेरे को, इतने इतने के लिए क्या डरना है अभी? हाँ मैं तो इधर कॉर्नर पे, ये पीछे बिल्डिंग है ना, इसके 5th फ्लोर पे ऊपर चढ़ के मैंने डांस किया था। देख भाई देख भाई सुन, ये जो जान है ना बहुत कीमती है। अभी ऐसा, अरे बहुत से बहुत से, इसके ऊपर भी ऐसा हाथ रखो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं उल्टा बैठ के तूने फोटो लिया, मेरा फेस नहीं आया। पगड़ी समझेंगे ना? अरे इसका वैल्यू है, फेस वैल्यू। ये बैठे मैं बैठे क्या डिफरेंस? वो बॉडी फिजिक्स समझता है? अरे फिजिक क्या समझता है यार, एक तो कोने में बिठवा दिया ऐसे पार पैर बाहर निकाल के। इस खूबसूरत चेहरे का फोटो लेना, ये थोड़ा उतरने का बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सब ये वायर वायर निकले हुए हैं ना, कब पैर फंसे। आपको पता है जब मैं छोटा था ना तो मैं ये टैंक से ऊपर से नीचे जंप मारता था। कैसे करता था वो चीज़? मैं इस पर लटकता था, वो है ना ये पाइप, इस पर हाथ पकड़ता था
और यहाँ से नीचे कूद जाता था। आप कैसे करता था ये बचपन में, हम लोग पागल रहते कसम से यार। करने को भी हम लोग अभी भी कर लेते हाँ? लेकिन नीचे वाला भाग के आ जाएगा, क्या हो गया। हम लोग है ना यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, टेनिस क्रिकेट बोलते थे, तो हमारे जो इसके जो नीचे आंटी रहती थी वो चिल्लाती थी एक रेट मंगाओ आशीष। ऐसे आऊ जैसे पाजी बता रहे थे। देखो चढ़ने किसने बोला, उल्टा उल्टा उल्टा, पर वो पैर कैसे रखूं? हाँ मैं बताता हूँ, देखो चल पाजी नीचे हो, निखिल को रात पर पड़ते ना, तेरे ऊपर मत गिरना। आशीष हाउ डू यू फील? इससे इससे आसान तो साला जोशीला चढ़ना उतरना था। बड़ा आसान होता है उतरना मुश्किल। ओहो आशीष अच्छा सीखा मेरे से। और आज मेहुल जो है हमारे पूरा बिहाइंड द सीन बना रहे, थैंक यू मेहुल। हेलो वसीम नहीं है तो मेहुल काम कर। सो वी आर डन विद द फोटो शूट, थैंक यू आशीष फॉर क्लिकिंग सम वंडरफुल पिक्चर्स। मुझे इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिले। काकू व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोज आई गिव? सब बहुत अच्छे अच्छे पोज आए। अच्छा रहो, अरे थोड़ी दाढ़ी मूछ थोड़ी छोटी है, आत लग रहा है, आत आदमी को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है सारे नो ससुरकाल जी, थम्स अप दबा देना जी, सब्सक्राइब भी कर देना जी, शेयर भी कर देना जी, जो मर्जी चेक कर दो, कुछ ही कर दो जो बोल रहे हैं। प्लीज फॉलो आशीष ऑन इंस्टाग्राम। वेयर वेयर इंस्टाग्राम? अरे नाम तो बोल, आशीष चंद्रात्रेय। आशीष चंद्रात्रेय डबल ए एस एच। वो मैं डाल दूंगा यार, मुझे ऑनेस्टली बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड आई विल ट्रिम माय बियर्ड टुमारो, क्योंकि मुझे दाढ़ी बढ़ाने की आदत नहीं है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जितनी दाढ़ी बढ़ाई है ना, इतनी दाढ़ी मैंने जिंदगी में कभी नहीं बढ़ाई। और ये ओ अभी बैक टू नॉर्मल। एंड वसीम इज हियर। क्या लाए पापा? एक्चुअली पापा तो निशान है। फाइनली माय न्यू हेलमेट इज हियर फ्रॉम एचजेसी। बहुत अच्छा हेलमेट है, बट देन आई वॉन्टेड अ मॉड्यूलर हेलमेट, इसलिए मैंने एचजेसी का मैक्स 2 हेलमेट ऑर्डर किया और ये आ गया है। सो दिस इज हाउ द हेलमेट इज लुकिंग। और जो मेन रीजन है इसके लिए मैंने हेलमेट लिया वो ये, इट्स अ मॉड्यूलर हेलमेट। अब से सीधा बहुत बार बहुत प्यास लगती है तो एटलीस्ट मैं पानी पी सकता हूँ, हेलमेट निकालने का टेंशन नहीं है। बिकॉज हेलमेट निकालना यार फॉर अ लॉन्ग राइड इट्स अ बिग 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 हेडेक। तभी मुझे गोप्रो माउंट करने का सिस्टम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। सो जिशन ऑल्सो बॉट अ मॉड्यूलर हेलमेट, उसने एमटी का लिया था, मुझे भी एमटी का बहुत अच्छा लगा था, बट देन आई वांटेड अराय और एचजेसी। अराय थोड़ा एक्सपेंसिव था, प्रॉब्ली द नेक्स्ट हेलमेट विच आई अपग्रेड विल बी एन अराय। फॉर नाउ बजट के हिसाब से लिया है, दिस इज फॉर 15,000 रुपीज। सो या मम्मी चिल्लाने वाली है। मेहुल ओवर हियर इज फिक्सिंग द सेना और माई न्यू हेलमेट एंड ऑल्सो द गोप्रो। GoPro mount यहाँ लग चुका है, as you can see. The previously I was using this mic, it's a wired mic. I love this mic because ये helmet की cushioning के पीछे चले जाता था और मालूम ही नहीं पड़ता था कि अंदर mic है. But then from now onwards I'll be using this boom mic. ऐसे आगे रहेगा क्योंकि इससे आवाज़ बहुत अच्छी आती है। मेरे helmet के अंदर total दो mic होते हैं, एक तो GoPro वाला mic और एक ये वाला mic. But then this helmet looks quite big, so I don't think I'll face any problem and Mehul is doing all the work. Mehul के लिए एक like बनता है। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद क्या किया मेहुल? ये देखो दिस इज द माइक, ये पूरा वायर है, वेलक्रो और टेप वेप लगा के फाइनली हम लोग ने चिन पैड पे ऐसा मॉड किया है। अभी लगा दीजिए, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। दिस गोना बी वन प्रॉब्लम, पहले जो मेरा माइक था वो मेरे स्पीकर के नजदीक था, अभी जो मेरा माइक है मेरे मुंह के नजदीक है। अभी ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ ये मेरी ऑडियो जो है बहुत क्लियर होगी क्योंकि मेरा माइक जस्ट इधर है। पहले मेरा माइक अंदर था तो उससे क्या होता था, उससे मेरा जो स्पीकर में कोई बोल रहा है वो भी रिकॉर्ड होता था। मॉड्यूलर हेलमेट में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ऐसा खोलता हूँ, अगर मैं वो यहाँ डालता हूँ माइक तो होगा क्या, फिर वो खुलेगा नहीं। एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग अ मॉड्यूलर हेलमेट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थैंक यू वसीम सो मच, ये बंदा हेलमेट लाने के लिए ताड़देव गया है। एंड अ बिग थम्स अप फॉर परफॉर्मेंस रेसिंग फॉर गिविंग मी अ बिग डिस्काउंट फॉर दिस हेलमेट। As always, shukran, alvida, maasalama, take care and do whatever you want. I love you, friends. Bye bye. I'll see you tomorrow. And eat whatever you want. बट हेल्दी खुद तो खाता है नहीं है, दूसरे को बोलता है। बाय।